हम कैसे अभी मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्ट होने की क्रिया की हुई है, आपको क्या अनुभूति हुई? जो भी अनुभूति हुई हो उसे बताने का प्रयास करूँ, जो तुम्हें अनुभूति हुई हो या दिखाई दिया हो, ताकि इस वीडियो को देखने वालों जो जिज्ञासु साधक हैं वो भी कुछ समझ सके कि अपनी बात के द्वारा क्या होता है। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में कंपन सा हो गया है, हाथ पूरा शरीर और सिर में बहुत कंपी होने लग गई, और उस समय थोड़ा मुझे डर भी लगने लग गया कि क्या हो गया, मतलब ऐसे। और उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा मूलाधार से लेके गर्दन तक गरम गरम हो रहा है, मूलाधार से लेके गर्दन तक गरम गरम, पूरी लगता है पीठ गरम हो गई है गर्दन तक जाके। और उसके बाद ऐसा लगा कि मूलाधार से ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है, तो ऊपर की तरफ यानी कोई चीज़ खींच रही है, तो मेरा पूरा शरीर यानी ऊपर की तरफ खींचने लग गया, जैसे कि हवा में उड़ना चाह रहा है। एक बार तो हाथ ऊपर उठ के वापस नीचे गिर भी गए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे ध्यान की अवस्था में। एक बार तो ऐसा हुआ कि दोनों हाथ बंधे ध्यान में बस बैठा हुआ था, तो हल्का सा ऊपर जाके नीचे, मतलब ऊपर उठ के वापस नीचे गिर गए वो, मगर अनुभव में नहीं, वो हो गया, मतलब अनुभव हो ही गया, मैं उनको हाथों को रोक नहीं पाया, ऊपर हल्का सा उठे, इतना ऊपर उठे वो वापस नीचे आ गए, इस तो रूप पे ही हो गया वो, मतलब ये हो गया था उसी समय, क्योंकि इतना ऊपर तक खिंचाव मुझे पड़ रहा था कि मैं ऊपर तक उठना चाह रहा हूँ, मैं ये हो रहा था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि एक पाइप सा भी दिखाई दिया, इसमें काला काला भरा हुआ है वो दिखने लग गया, तो उसमें कई बार मैं इसको देखता रहा कि वो क्या है क्या है, वो लगा कि मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, मतलब पाइप के ऊपर से झांक के मैं उसमें देख रहा हूँ, उसमें काला काला कोई चीज़ है, उसमें कोई चीज़ घूम भी रही है, बहुत तीर क्या घूम रही है इतना तो मैं समझ नहीं पाया, पर लगा उसमें कुछ घूम रहा है वो भी उसमें दिखने लग गया। और गुफा भी दिखाई दी, जो कंठ में भ्रमर घुमा अपन गुफा बोलते हैं, वो भी दिखाई दी, और उसमें भी शुरू में तो अंधकार अंधकार दिखाई दिया जा रहा था, तो उसमें थोड़ी देर तो मैंने उसमें गया भी, मैं आगे बढ़ा भी, फिर कुछ देर बाद वो दृश्य मतलब चला गया। और उसके बाद एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें किसी सूक्ष्म आकृति या सूक्ष्म शरीर सा दृश्य दिखा, सूक्ष्म शरीर दिखा, वो ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है, और उसमें ऐसा लगा कि जैसे प्रकाश उसमें जा रहा है अंदर, उसमें सामने से कोई आ रहा है, वो सामने कौन भेज रहा है वो तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो सामने से उसमें ऐसे जाया जा रहा है, ऐसे प्रकाश जाया जा रहा है उसमें बार बार। हाँ, शक्ति पात का वो दृश्य आ रहा था, जो शक्ति पात किया जा रहा था उसका दृश्य प्रकाश के रूप। हाँ, वो आने लग गया। और पाइप वाला दृश्य भी दो बार दिखाई दिया, मतलब एक बार पहले दिखाई दिया, फिर दोबारा भी दिखा, थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया और फिर चला गया। गुफा के दृश्य भी दो तीन बार दिखाई दिए और फिर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे साथ में मतलब रीढ़ में भी मतलब कोई चीज़ ऊपर धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाई जा रही है, वो भी दिखाई दे रहा था, वो भी अनुभूति हो रही थी वो तो। और उसके बाद एक दृश्य दिखाई दिया जब आपने उसमें ऐसा दिखाई दिया कि जैसे वापिस एक सूक्ष्म शरीर का बैठा हुआ ध्यान अवस्था में वो दिखाई दिया, और उसके लगा कि बिल्कुल उसमें एक सीधी पतली सी पाइप सी ऊपर से नीचे तक क्या बनी हुई है मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा दिखाई दिया पर वो दिखाई दिया। अब धागा, लेकिन वो मतलब वो प्रकाशित थी, मतलब वो चीज़ बिल्कुल प्रकाशित थी, सूक्ष्म, हाँ सफ़ेद रंग की थी, हाँ तो वो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल यहाँ तक वो दिखाई दे रही थी ऐसा कुछ, तो वो दृश्य भी मतलब दिखाई दिया। और उसके बाद एक दृश्य में जब आपने आज्ञा चक्र पर शक्तिपात किया, तो उस समय पहले लगा कि कोई चीज़ घूम रही है ऐसे, मतलब घूमने लग गया मेरा भी मन उसमें साथ साथ, और फिर एक आँख जैसी आकृति
पहले तो एक चेहरा दिखाई दिया, नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि एक सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ दिखाई दिया, ऐसे वैसे ऐसे बैठा हुआ नहीं, वैसे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं वैसे दिखाई दिया। उसमें चारों तरफ जैसे होती है ना सांकल होती है, सांकल मीन्स वो लोहे वाली जंजीर, जंजीर वो उससे बंधा हुआ है, वो दिखाई दिया। और धीरे धीरे वो लोहे की जंजीर खुल रही है, जैसे एक बार खुली, दूसरी बार खुली, जैसे खुलने उसमें शरीर शरीर से धीरे धीरे हटने लग गई। तो हटने के बाद फिर वो आँख की दृष्टि उसके बाद आया, पहले नहीं आया वो। फिर ज़्यादा घूम ही रहा है, कुछ घूम ही रहा है, वो दृश्य आ नहीं रहा था आँख वाला। तो वो हटने के बाद फिर लगा कि जैसे धीरे धीरे आँख का दृश्य, पहले एक चेहरा बना, आकृति बनी चेहरे वाली, धीरे चेहरे में सब कुछ हटने लग गया, बिल्कुल आर पार दिखाई देने वाला चेहरा बन गया। उसने वो आँख सी आकृति बनी, पर आँख नहीं बनी, मतलब कहने का मतलब आँख नहीं बन पाई वो बना। और उसके बाद फिर वापस ऐसा लगा कि मुझे कि मैं नीचे से देख रहा हूँ, और ऐसे कोई संकरा सा मार्ग से कोई चीज़ ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल संकरा मार्ग है, ऊपर चौड़ा है, नीचे थोड़ा चौड़ा सा है, पर बीच में संकरा सा मार्ग है, और मैं उसको नीचे से देख रहा हूँ। एक दो बार उसको मैंने ऊपर से भी देखा, ऊपर से भी कोई चीज़ आने का प्रयास करी, पर वो धीरे धीरे आ रही, मतलब उसकी गति लगा कि वो धीमी धीमी है, सांप जैसी कह सकते हैं, मतलब इतनी स्पष्ट तो नहीं दिखी, पर लगा मुझे। मैं उसको ऊपर से भी, उसको ऊपर से, मैं उसी आँख से, आँख तो नहीं बनी, पर मुझे क्या कि मैं आँख से ही उसको देख रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे कि वो आँख का दृश्य भी बना हुआ है और ऊपर से ही मैं झांक रहा हूँ। आँख बनने के बाद वो दिखने लगा कि सकरा से मार्ग से कोई चीज़ ऊपर आने का धीरे धीरे प्रयास कर रही है, और कुछ देर बाद फिर मैं नीचे से भी पता नहीं दिखाई देने लगी, नीचे से भी ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा अंधकार भी था, इतना स्पष्ट क्या कहते प्रकाश नहीं होने के कारण इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। तो वो दृश्य भी 2-3 बार दिखाई दिया जा रहा था, बार बार दिखाई दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक दृश्य वो हो रहा था, और उसके बाद में लगा कि गले में भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर धीरे धीरे आ गई है, वो लगभग यहाँ तक, तो मुझे जो अनुभूति हुई लगभग यहाँ तक लगा कि वो आई है। और एक बार हल्की सी अनुभूति हुई कि वो ऐसे गर्दन तक पीछे भी थोड़ी ऊपर जाके, लेकिन वो ऊपर से निकली लगभग हाँ लघु मस्तिष्क में जाके हल्का टच किया, फिर वो तो वापस आ गई, मतलब इतनी इस थोड़ी सी अनुभूति। और सामने या गले तक जाके लगा कि हाँ। तो ये भी हाँ, मुझे ऐसे भी दृश्य दिखाई कि 2-3, मैं नीचे से देख रहा हूँ, ऐसे 2-3 मार्ग दिखाई दे रहे हैं। तो एक दो बार दो भी दिखाई दिए, एक बार तीन भी, हाँ हाँ दो साइड में, और बाद में तीन मार्ग भी दिखाई, मतलब तीसरा मार्ग इतना स्पष्ट नहीं दिखा, पर मुझे लगा 3 मार्ग। तो उनको इतना मैं समझ नहीं पाया कि दिखाई क्या दे रहा है, वो नीचे से देख रहा था मैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो वो भी दिखाई दे रहा था। और एक बार हमें यही दिखाई दिया, मतलब सारे तुमने एक बार में ही ढेर सारे अनुभव और अनुभूतियाँ बताई, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, चलो मेरा परिश्रम सफल हुआ। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.